हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन आपको मैं पूरा समझाऊंगा एक वीडियो के अंदर, जितना भी उसका हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो नीट के अंदर आ सकता है या पीछे जो आ रखा है, उन सबको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने फोटोसिंथेसिस के वीडियो बना रखे हैं, डाइजेस्टिव के वीडियो बना रखे हैं, इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, हर एक चैप्टर वाइज के 30 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिट रहेंगे। वीडियो हर एक चैप्टर के मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव वगैरह वगैरह कुछ भी हो, ठीक है। सबके 30 क्वेश्चन करा रखे हैं जो नीट के अंदर आपके आ सकते हैं, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन्स, ठीक है। तो मैंने आपको, अगर मेरा आप वीडियो देखोगे डाइजेस्टिव वाला, तो जब मैं शुरुआत में पढ़ाऊंगा उस समय मैंने लिखूंगा फूड, और फूड के अंदर मैंने इसको दो टाइप में डिवाइड किया था, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने वहां पर लिखा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स ये किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो वो सेम बात यहाँ लिख रखी है कि विटामिन कैसे होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इनसे कोई भी हमें एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन है वो कोई भी हमारे लिए एनर्जी का सोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार की हमें एनर्जी है वो विटामिन से नहीं मिलेगी। दूसरा देखिए, विटामिन है वो स्वास्थ्य नियंत्रक है, यानी कि हमारी बॉडी की जो बैलेंस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको कंट्रोल करने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन, विटामिन। लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करता है, शरीर का निर्माण मोस्टली कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं, लेकिन विटामिन किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के फॉर्मेशन के अंदर काम में नहीं करेगा। क्या करेगा, जितने भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को विटामिन्स की। फिर आओ थर्ड नंबर पॉइंट, विटामिन की सबसे पहले खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, तो बोलेंगे एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था ल्यूनिन। क्या नाम था, ल्यूनिन। उसने सबसे पहले बताया था कि एक ऐसा पार्टिकल है हमारी बॉडी के अंदर जो, जिसको स्वास्थ्य नियंत्रक बोलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी कंट्रोलर, ठीक है, उसको सबसे पहले किसने बताया था, तो बोलेंगे ल्यूनिन ने बताया था। फिर आप फोर्थ नंबर पॉइंट कि विटामिन वर्ड किसने दिया, तो विटामिन वर्ड दिया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फंक, ठीक है, FUNK, फंक, ये साइंटिस्ट का नाम है फंक, ठीक है। इसने दिया था विटामिन सब, खोजा किसने था, ल्यूनिन ने, और सब दिया था फंक ने। फिर आओ विटामिन का अध्ययन, स्टडी ऑफ विटामिन क्या कहलाती है, तो बोलेंगे विटामिनोलॉजी। क्या कहलाएगी, विटामिनोलॉजी। फिर नेक्स्ट, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन है, विटामिन सी। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, ये वाले मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर कि सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है, और सर्वप्रथम निष्कर्षित विटामिन कौन है, तो विटामिन बी। ज्ञात मतलब सबसे पहले किसको देखा गया था, किसको खोजा गया था, तो वो था विटामिन सी, और निष्कर्षित मतलब किसको अलग करके निकाला गया, ठीक है, किसको अलग करके निकाला गया, निकाला गया पूछे या अलग करके पूछे या निष्कर्षित पूछे, तो आंसर जाएगा आपका विटामिन बी। और सर्वप्रथम डिस्कवरी पूछे या सर्वप्रथम देखा गया कौन सा विटामिन है, तो बोलेंगे विटामिन सी। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आओ विटामिन, विटामिन है वो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के मिलते हैं, एक होता है जो जल में घुलनशील है और दूसरा है जो वसा में घुलनशील है, यानी कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल के अंदर दो तरह के आते हैं, बी और सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और बाकी जो बच गए यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कैसे होते हैं, फैट में सोल्यूबल होता है, यानी वाटर में इनसोल्यूबल, और ये वाटर में सोल्यूबल है मतलब फैट में इनसोल्यूबल। तो क्वेश्चन अगर आपसे घुमाए कि फैट में इनसोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो क्या आंसर होगा, ये वाला कि ये वाला, तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला, फैट में इनसोल्यूबल मतलब वाटर में सोल्यूबल। तो वाटर में सोल्यूबल कौन होता है, विटामिन बी एंड सी। इसकी आप एक ट्रिक भी देख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं ट्रिक, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है, देखो WBC, WBC जानते हो, ठीक है, W मतलब होता है वाटर, B मतलब विटामिन बी, C मतलब विटामिन सी, तो WBC, यानी वाटर में सोल्यूबल कौन होंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, इसको याद कर लीजिए, बाकी जो बच गए वो सारे किस में होंगे, फैट वाले होंगे, यानी फैट में सोल्यूबल होंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। अब अपन ले रहे हैं विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई के यहां तक, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे कि ये विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन नेम पर ज्यादा आते हैं,
कि कॉमन नेम क्या है और उसकी कमी से कौन सा हमें रोग होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए विटामिन ए। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं सीधा लिखा लिखा हुआ आपको शूट कराऊंगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए मैं सीधा यहाँ पर लिखा हुआ आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप विटामिन ए, उसके बाद बात करेंगे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साहब, सबसे पहला आ रहा है हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए का आपसे कॉमन नाम पूछाता है, ठीक है, कॉमन नाम जरूर ध्यान में रखना, बाकी कुछ ध्यान में रखो चाहे ना रखो, कॉमन नाम और कमी से क्या रोग होते हैं अपने को बस इतना ही ध्यान में रखना है विटामिन से रिलेटेड। तो विटामिन ए का अगर आपसे कॉमन नाम पूछे तो कॉमन नाम होता है इसका रेटिनॉल। क्या नाम है कॉमन नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए का कॉमन नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, कॉमन नाम ध्यान में रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, सोर्स देखिए कहाँ से अपने को विटामिन ए मिलता है। तो मोस्टली ये जो प्रेजेंट होता है वो होता है गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर सर्वाधिक प्रेजेंट होता है विटामिन ए। आपने सुना होगा कि गाजर खाते हैं तो आंखों की रोशनी है वो सही रहती है, ठीक है, तो गाजर के अंदर है वो सर्वाधिक प्रेजेंट होता है कौन सा? विटामिन ए। इसके अलावा आपके मिल्क के अंदर और फ्रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे तो गाजर के अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन ए। इसकी अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो बोलेंगे हमें हो जाएगा रतौंधी रोग। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज, यानी आपको रात के अंदर थोड़ा सा कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं रतौंधी रोग, यानी आपके अंदर बॉडी के अंदर विटामिन ए की क्या हो गई है? कमी हो गई है, ठीक है साहब। तीन ही बातें ध्यान रखनी है, विटामिन ए, कॉमन नाम रेटिनॉल, काम मिलेगा सर्वाधिक गाजर में सर्वाधिक होता है, इसके अलावा मिल्क के अंदर और फ्रूट्स के अंदर, कमी से कौन सा डिजीज होगा? रतौंधी रोग, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है विटामिन ए के बारे में। फिर आओ विटामिन बी नहीं लेंगे, पहले लेंगे विटामिन सी, क्योंकि बी के कई सारे पार्ट है, बी1 बी2 बी3 वो एकदम लास्ट में लेंगे अपन। सबसे पहले आ रहा है विटामिन सी। इसका अगर आपसे कॉमन नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा मार्क कर लेना, ठीक है। रेटिनॉल भी अच्छा खासा पूछा गया है। विटामिन सी, इसका कॉमन नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहां पर प्रेजेंट होगा? जो खट्टी चीजें होगी, ठीक है, जिसमें खटास आ गई, खट्टी फल, जैसे खट्टे फल हो गए, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गई, इमली हो गई, ये सारे कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद के अंदर। तो जो भी चीज खट्टी होगी वहां पर, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? विटामिन सी प्रेजेंट है, ठीक है साहब। क्या प्रेजेंट होगा? विटामिन सी। अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी डिजीज। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग हो जाएगा, जिसके अंदर आपके जो दांत होंगे, दांत के जो मसूड़े हैं, उसमें क्या आना लग जाएगा? ब्लीडिंग होगी, उसके अंदर खून आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो के अंदर आपके क्या आएगा? खून आएगा, इसको बोलते हैं स्कर्वी डिजीज। और इसकी किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन सी की कमी से हो रहा है, क्लियर। इसमें भी तीन ही बातें ध्यान रखनी है, विटामिन सी, कॉमन नाम एस्कॉर्बिक एसिड, कहां पर मिलेगा? जो खट्टे होंगे, खट्टी चीजें होंगी उसके अंदर मिलेगा, और कमी से कौन सा रोग होगा? तो बोलेंगे स्कर्वी डिजीज होगी, स्कर्वी रोग होगा, क्लियर। इसके इसमें क्या होगा स्कर्वी के अंदर? तो बोलेंगे मसूड़ों में खून आएगा, यानी जो के अंदर आपके क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। तो नेक्स्ट आ रहा है ए हो गया, सी हो गया, अब आ रहा है डी। देखिए साहब, विटामिन डी, विटामिन डी का आपसे कॉमन नाम पूछे तो इसका कॉमन नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, कॉमन नाम है कैल्सीफेरॉल। कहां से मिलेगा अपने को? इसके सोर्स क्या है? तो बोलेंगे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फिश का जो ऑयल होता है, मछली का जो तेल होता है, उसके अंदर होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि सुबह सुबह जो सनलाइट होती है उसके अंदर बैठना थोड़ा सा हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्यों? क्योंकि सुबह की जो सूर्य की उपस्थिति है उसके अंदर हमारी जो स्किन है वो इसके अंदर क्या बनाती है? विटामिन डी बनाती है, ठीक है साहब। सूरज से हमें विटामिन डी नहीं मिलता, ये थोड़े बहुत कुछ कह देते हैं कि सूरज से विटामिन डी मिलता है, तो सूरज से विटामिन डी नहीं मिलता। सूरज की जो लाइट आ रही है, हल्की लाइट आती है ना सुबह 7 से 8 वाली, उस हल्की लाइट के अंदर हमारे जो स्किन है वो बनाती है विटामिन डी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आओ कमी, कमी से क्या हो जाएगा बच्चों के अंदर? क्या हो जाएगा? रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? रिकेट्स। इसके अंदर क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। रिकेट्स रोग के अंदर क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसी तरह वेस्ट में थोड़ा सा नाम और दे देते हैं, अलग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये भी एक हड्डी से संबंधित रोग होता है जिसका नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, रिकेट्स वाला ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली जो पूछा जाता है वो रिकेट्स से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो रिकेट्स के अंदर क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, यानी आपके अंदर विटामिन डी की क्या हो गई? कमी हो गई, क्लियर। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई। विटामिन ई का अगर आपसे कॉमन नाम पूछे तो टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसको अपन ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन के और जो बाल होते हैं उसके अंदर मोस्टली प्रेजेंट होता है, स्किन में और बालों को बनाए रखने के अंदर, ठीक है।
तो ये मोस्टली आपको काम मिलेगा। सोर्स क्या है इसके? एमंड, यानी कि बादाम के अंदर आपने देखा होगा जो बादाम के तेल की शीशी आती है उस पर लिखा होता है विटामिन ए ई रिच, यानी उसके अंदर विटामिन ई प्रेजेंट है जो हमारे बालों की अच्छी तरह से ग्रोथ कराएगा। तो बाल अगर अच्छे रहेंगे, स्किन अगर अच्छी रहेगी, तो यही हमारी क्या है, बॉडी की ब्यूटी है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? मोस्टली प्रेजेंट होता है एमंड के अंदर, यानी कि बादाम के अंदर। इसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स होती है जैसे कि पत्ता गोभी वगैरह हुई, इनके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा? विटामिन ई। फिर अब इसकी कमी से रोग हो गया तो क्या होंगे हम? हो जाएंगे स्टेराइल, यानी कि बांझ, यानी हम आगे है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे विटामिन ई की अगर हमारी कमी हो गई तो। यानी हमारे जो गैमेट्स बनेंगे यानी स्पर्म और ओवम बनेंगे वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके फॉर्मेशन के लिए भी क्या जरूरी होता है, हमारे अंदर विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन ई कम हो गया तो उनका फॉर्मेशन क्या सा हो जाएगा, थोड़ा सा डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्पर्म और ओवम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, थोड़ा सा डिफेक्ट बनेंगे, तो आगे वो पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन वगैरह सारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इस कारण वो कैसे हो जाएंगे, स्टेराइल यानी कि बांझपन। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक डिजीज होती है, आपको पता होगा जब मैं आपको इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी है वो विटामिन ई की कमी से, बहुत ज्यादा अगर विटामिन ई हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया तब जाके एक डिजीज और हो सकती है, मैं उसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्लियर? तो ये हो गया विटामिन डी विटामिन ई, अब आ रहा है विटामिन के। फिर नेक्स्ट देखिए साहब विटामिन के, विटामिन के का अगर आपसे कॉमन नाम पूछे तो इसका कॉमन नाम होता है वो होता है मेनाडियोन। क्या नाम है? मेनाडियोन, या इसी का दूसरा नाम होता है फाइलोक्विनोन। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, अगर याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा। तो कॉमन नाम इसका ध्यान रखना मेनाडियोन या फाइलोक्विनोन। ये कहां पर मिलेगा अपने को? ये मिलेगा आपको लीफी वेजिटेबल्स के अंदर यानी पत्ता गोभी वगैरह के अंदर, और सोयाबीन जो ऑयल होता है उसके अंदर मिलता है विटामिन के। ठीक है, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, आपके रक्त का ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जैसे मान लो आपको चोट लगे तो चोट लगने के बाद एक दो मिनट के लिए ब्लड आएगा, उसके बाद ब्लड आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन के कम हो गया तो लगातार ब्लड आना स्टार्ट रहेगा, यानी वहां पर जो ब्लड क्लॉट है वो क्लॉट नहीं बनेगा, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा अगर कमी होगी किसकी? विटामिन के की। तो ये था हमारा 4 नंबर 5 नंबर और ये है 6 नंबर। ठीक है, अब देखो विटामिन बी, ये हो गया विटामिन के। बी वाला देखिए, बी वाले के कई प्रकार के टाइप्स हैं जैसे B1, B2, B3, B6, B9। तो इन सबको पढ़ना है, सबसे पहला आ रहा है हमारे पास विटामिन बी का B1। कौन सा? B1। तो B1 का आपसे अगर कॉमन नाम पूछे, कॉमन नेम ऑफ विटामिन B1, तो इसका क्या बोलेंगे? थायमिन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत पूछा गया है, हिंदी में लिख देता हूं मैं थायमिन। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर विटामिन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो विटामिन B1 का आपसे कॉमन नाम पूछे तो कॉमन नाम होता है इसका थायमिन। ठीक है, फिर ये भी कहां मिलेगा, सोर्स इसका बताओ, तो बोलेंगे वीट के अंदर, जो गेहूं वगैरह होते हैं, लीफ वेजिटेबल्स और ईस्ट। ईस्ट आपको पता है एक एस्कोमेस्टिस क्लास का क्या है, फंगाई है, तो ईस्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन B1। क्लियर, इसकी अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो बोलेंगे बेरी बेरी डिजीज। कौन सा रोग? बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी होती है तो रोग होता है बेरी बेरी। इसके अंदर आपको क्या होगा कि भूख कम लगेगी यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, थकावट होगी यानी कि फैटी होगी, और थोड़ा बहुत आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर क्या होगा, पेन होगा। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं इसका मतलब आपको कौन सी डिजीज हुई है? बेरी बेरी, यानी आपके ब्लड के अंदर विटामिन B1 की कमी है। क्लियर, नेक्स्ट आ रहा है विटामिन B1 हो गया, अब आ रहा है विटामिन B2। B2 का अगर आपसे कॉमन नाम पूछे, इसका कॉमन नाम आपको मोस्टली याद रखना ही है। ठीक है, इसका कॉमन नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ये आपको हो सके तो याद रखना ही है, मस्ट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है विटामिन बी से तो वहां पर चांसेस ज्यादा होता है विटामिन या तो B2 का पूछेगा कॉमन नाम या विटामिन B12 का पूछेगा। ठीक है, तो विटामिन B2 का आपको कॉमन नाम आपको याद रखेगा राइबोफ्लेविन। कहां पर मिलेगा? लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, ईस्ट के अंदर, चीज के अंदर और मिल्क के अंदर। सोर्स पर आप ज्यादा कुछ ध्यान मत देना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद रखना है। ठीक है, तो लीफी वेजिटेबल्स में, ईस्ट में, चीज में और मिल्क में, यहां पर मिलेगा आपको विटामिन B2। इसकी अगर कमी हो जाए तो एक रोग होता है, उसका नाम होता है किलोसिस। क्या नाम है? किलोसिस। इसके अंदर क्या होता है, आपके मुंह के अंदर छाले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुंह के अंदर अगर लगातार छाले हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन B2 की क्या है, कमी है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी है तो रोग होगा किलोसिस, जिसके अंदर मुंह में छाले होंगे।
फिर आओ विटामिन बी थ्री। बी थ्री का अगर आपसे कॉमन नाम पूछे, इसका कोई नाम ध्यान में नहीं रखना है, मैंने लिख तो दिया लेकिन आपको याद नहीं रखना है, पैंथोनिक एसिड कोई नहीं पूछता है, ठीक है। पैंथोनिक एसिड होता है विटामिन बी थ्री का कॉमन नाम। ये कहां पर मिलेगा तो बोलेंगे वीट में, लीवर के अंदर, हनी के अंदर और ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन बी थ्री। इसकी कमी हो जाए तो इसका थोड़ा सा जो डिजीज है वो ध्यान रखना, क्योंकि डिजीज है वो मोस्टली पूछी जाती है इसके अंदर विटामिन बी थ्री के अंदर। डिजीज होती है उसका नाम होता है पेलेग्रा डिजीज। क्या नाम है? पेलेग्रा डिजीज। इसके अंदर क्या होंगे, आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी याददाश्त में क्या आएगी, कमी आएगी। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब आपके लगातार बॉडी के अंदर पानी की क्या होगी, कमी होगी, आपको बार बार क्या लगेगी, प्यास लगेगी। तो अगर ये सारे डिजीज आ रहे हैं, यानी लॉस ऑफ मेमोरी और डिहाइड्रेशन, इसको बोलते हैं पेलेग्रा डिजीज। अगर ये लक्षण आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी थ्री की कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा। तो विटामिन बी वन हो गया, बी टू हो गया, बी थ्री हो गया, अब आ रहा है विटामिन बी फाइव। तो हेडिंग डाल लीजिए विटामिन बी फाइव। नेक्स्ट आ रहा है सर बी फाइव, विटामिन बी फाइव। इसका कॉमन नाम और विटामिन बी सिक्स का कॉमन नाम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख मैंने दिया है लेकिन आपको याद नहीं रखना है, कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। तो विटामिन बी फाइव का कॉमन नाम होता है, वो होता है नियासिन। क्या हुआ? नियासिन। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको ईस्ट के अंदर, मिल्क के अंदर और जो मीट होते हैं, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट खाते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन बी फाइव। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बोलेंगे बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम यानी आपके पैरों में जलन होना स्टार्ट हो जाएगी विटामिन बी फाइव की कमी होने पर। इसको बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जलन होना। फिर आओ विटामिन बी सिक्स। बी सिक्स का कॉमन नाम भी आपको याद नहीं रखना है, पाइरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका? पाइरिडॉक्सिन। ये भी आपको काम मिलेगा वीट के अंदर, मिल्क के अंदर, लीवर के अंदर और मीट के अंदर। यहां पर इसका सोर्स होता है विटामिन बी सिक्स का। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? इसकी कमी से हो जाएगा एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है नोजिया। क्या नाम है? नोजिया। और आपको लगातार वोमिटिंग होगी, लगातार कैसी होगी, उल्टी होना स्टार्ट होगी और आपके ब्लड के अंदर, सॉरी आपके शरीर में, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी खून की कमी हो जाएगी, यानी कि एनीमिया। तो ये इसके डिजीज होते हैं, किसकी कमी से होता है? विटामिन बी सिक्स की कमी से, क्लियर। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास विटामिन बी नाइन और विटामिन बी ट्वेल्व। जिसमें से जो विटामिन बी ट्वेल्व है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी टू और विटामिन बी ट्वेल्व, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नाइन और विटामिन बी ट्वेल्व लिख रहा हूँ, तो हेडिंग डाल लीजिए विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन, विटामिन बी नाइन का कॉमन नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड। ये भी आप याद रखो तो भी चल जाएगा, नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा। तो विटामिन बी नाइन का कॉमन नाम है फॉलिक एसिड। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको लीवर के अंदर, बनाना के अंदर और ऑरेंज के अंदर। यहां पर प्रेजेंट होता है विटामिन बी नाइन। इसकी कमी से भी कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग होगा, यानी आपके खून के अंदर कमी आएगी। तो खून में जो कमी आती है, एनीमिया डिजीज होती है, उसके कई कारण हो सकते हैं, या हो सकता है विटामिन बी सिक्स हो, या हो सकता है विटामिन बी नाइन हो, ठीक है। जब आप मेडिकल में जाओगे यानी एमबीबीएस करोगे तब आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे कि कब इसको विटामिन बी सिक्स बोलेंगे, कब इसको विटामिन बी नाइन का कॉज बोलेंगे। तो अभी अपने को ऊपर ऊपर ध्यान रखना है कि दोनों की कमी से क्या रोग होता है? एनीमिया डिजीज होती है, ठीक है। फिर आ रहा है विटामिन बी ट्वेल्व, इसको आपको पूरा ध्यान रखना है, विटामिन बी ट्वेल्व का आपको पूरा याद रखना है। सबसे पहले इसका कॉमन नाम साइनोकोबाल एमिन, ये आपको याद करना ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है साइनोकोबाल एमिन। यहां पर एक बार पूछा गया था कि साइनोकोबाल एमिन या विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो कौन सा मेटल अगर पूछे तो कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। कौन सा मेटल? कोबाल्ट मेटल, ठीक है। साइनोकोबाल एमिन के अंदर कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट मेटल होता है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, नीट के अंदर पूछा गया है और एम्स के अंदर भी पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी ट्वेल्व का कॉमन नाम होता है साइनोकोबाल एमिन। कहां पर मिलता है? तो बोलेंगे लीवर और एग्स के अंदर मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बोलेंगे परनीशियस एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया? परनीशियस एनीमिया। इसके अंदर क्या होगा, आपके ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड की कमी तो होगी, लेकिन जो आपकी आरबीसी है वो कैसी हो जाएगी? विदाउट हीमोग्लोबिन, यानी आपकी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? एब्सेंट। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में सारी बातें। नाम जरूर ध्यान रखना, साइनोकोबाल एमीन, ठीक है। कौन सी मेटल प्रेजेंट है? तो बोलेंगे कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, बाय बाय।